कर्नाटका के कॉलेज ने छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने पर रोक लगाई थी। इसके खिलाफ छात्राओं ने विरोध शुरू किया। इस विरोध पर आपत्ति जताते हुए दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े या उनके विचारधाराओं का पालन करने वाले लोगों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने सुनवाई किए जाने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक पोशाक न पहनने को कहा है। आपने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पर हर विरोध प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए कई दावे किए जाते हैं और ऐसा ही दावा इस प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए भी किया गया है। बता दें कि हाल ही में मांडिया PES कॉलेज का ये वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में दिख रही लड़की का नाम मुस्कान है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुस्कान को लेकर भाजपा समर्थक प्रोपोगंडा आउटलेट क्रिएटली ने ये ग्राफिक ट्वीट किया। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि दोनों तस्वीरें मुस्कान की है और साथ में लिखा है कि आम जिंदगी प्रोपोगंडा जिंदगी। ये ग्राफिक क्रिएटली के क्रिएटिव डायरेक्टर @AlphaTunist ने बनाया है। जल्द ही ये ग्राफिक फेसबुक और ट्विटर पर वायरल हो गया। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने इस मामले को लेकर छानबीन की तो हमने पाया कि तस्वीर में मॉडर्न कपड़े पहनी लड़की मुस्कान नहीं बल्कि जनता दल सेक्युलर कर्नाटका की सदस्य नजमा नजीर है। जब ऑल्ट न्यूज ने नजमा से बात की तो उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर उन्होंने फेसबुक पर 2018 में पोस्ट की थी। नजमा की फेसबुक पर पोस्ट की गई बाकी तस्वीरें देखने पर साफ हो जाता है कि वायरल तस्वीर उन्हीं की है। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि नजमा की कुछ और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर ऐसे ही दावों के साथ शेयर की गई है। भारतीय वायुसेना के दिग्गज और IIM लखनऊ के पूर्व छात्र अनुप वर्मा ने नजमा की 3 और तस्वीरें इस दावे के साथ शेयर की कि वो बाहर घूमते वक्त जीन्स और मॉडर्न कपड़े पहनती है लेकिन स्कूल में वो हिजाब पहनकर आती है। अनुप वर्मा ने इसे एक एजेंडा बताया। ये तस्वीरें और भी कई फेसबुक यूजर्स और ट्विटर यूजर्स ने इसी दावे के साथ पोस्ट की हैं। सबसे पहले तो व्यूअर्स गौर करें कि नजमा स्कूल या कॉलेज की छात्रा नहीं है, वो जनता दल सेक्युलर कर्नाटका की सदस्य है। नजमा ने ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए बताया कि वायरल तस्वीरें उन्हीं की हैं और ये पिछले 8 सालों में अलग अलग वक्त पर खींची गई थी। आगे उन्होंने बताया कि वायरल पोस्ट भ्रामक है क्योंकि इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी भी स्कूल या कॉलेज में हैं, जो कि सच नहीं है। उन्होंने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं ऐसे ही एक और तस्वीर की। जीन्स पहनी इस लड़की की ये तस्वीर भी हिजाब विवाद के बाद शेयर की जा रही है। गौरव मिश्रा ने नजमा की दूसरी तस्वीरों के साथ ये तस्वीर ट्वीट की। नजमा ने बताया कि ये तस्वीर उनकी नहीं है, इसे फोटोशॉप किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑल्ट न्यूज ने रिवर्स इमेज सर्च किया। एक ट्विटर यूजर ने असली तस्वीर ट्वीट की थी और बताया था कि तस्वीर में दिख रही महिला सोशल मीडिया पर्सनालिटी तान्या जैना है। तान्या ने 2019 में इंस्टाग्राम पर ये तस्वीर पोस्ट की थी। नजमा के फेसबुक पेज पर अलग अलग कपड़ों में उनकी कई तस्वीरें हैं। उन्होंने हिजाब, जीन्स और कई दूसरे कपड़ों में तस्वीरें पोस्ट की हैं। हिजाब बैन का विरोध कर रही मुस्लिम छात्राओं पर निशाना साधने के लिए नजमा की कई तस्वीरें गलत रूप से शेयर की गई और ये दिखाने की कोशिश की गई कि मुस्लिम लड़कियां आमतौर पर जीन्स और मॉडर्न कपड़े पहनती है लेकिन एक प्रोपोगंडा के तहत स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनती है। ये न सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रही लड़कियों के खिलाफ शुरू किया गया एक दुष्प्रचार है बल्कि इस तरह किसी भी नागरिक के अपनी पसंद के कपड़े पहनने के फैसले और हक पर भी एक वार है।